दोस्तों, अगर आप स्मार्टफोन खरीदने का मन बना रहे हैं और आपका बजट 10,000 या 10,000 के नीचे है, तो दोस्तों आपका इंतज़ार बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाला है, क्योंकि रियलमी जल्द ही एक न्यू स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है जिसका नाम होने वाला है रियलमी 5i। तो दोस्तों, इसका लॉन्चिंग डेट भी कंफर्म हो चुका है और इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है ये भी कंफर्म हो चुका है। जैसे कि इसमें आपको स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर मिलने वाला है, इसके साथ इसमें आपको क्वाड्रेट कैमरा और 5000mAh की बैटरी मिलने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस फ़ोन में आपको क्या क्या मिलने वाला है, साथ में इसके प्राइस और लॉन्चिंग डेट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे, तो इसमें आपको ग्लास बैक बॉडी देखने को मिलेगा, इसके साथ इसमें आपको क्वाड्रेट कैमरा का सेटअप दिखने वाला है। दोस्तों, अगर फिंगरप्रिंट के बारे में बात करें तो इसमें आपको फिंगरप्रिंट पीछे में ही देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग इसके फ्रंट साइड के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको 6.5 इंच का मिनी ड्रॉप डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि फुल HD प्लस रेजुलेशन के साथ आएगा। तो दोस्तों, अब हम लोग इसके प्रोसेसर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर मिलने वाला है। दोस्तों, यही प्रोसेसर Realme 5 और Realme 5S में आपको देखने को मिला था। अगर इसके रैम वेरिएंट के बारे में बात करें तो इसमें आपको 3 रैम वेरिएंट देखने को मिलेगा, जिसका बेस वेरिएंट 4+64GB, सेकंड वेरिएंट 6+64GB और थर्ड वेरिएंट 8+128GB मिलने वाला है। तो चलिए अब हम लोग इसके कैमरा के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें आपको क्वाड कैमरा का सेटअप दिखने वाला है, जिसका मेन कैमरा 12 MP का होने वाला है, सेकेंड कैमरा 8 MP का एक अल्ट्रावाइड एंगल कैमरा होने वाला है, थर्ड कैमरा 2 MP का एक माइक्रो कैमरा और फोर्थ कैमरा 2 MP का एक डेप्थ सेंसर कैमरा होने वाला है। दोस्तों, अगर इसके फ्रंट साइड के बारे में बात करें तो इसमें आपको 16 MP का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसके साथ इसमें आपको पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड जैसा सभी फीचर्स देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब हम लोग इसके बैटरी के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको 5000mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, इसके साथ इसमें आपको 18W का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा, जिससे कि आप आसानी से बैटरी को चार्ज कर पाएंगे, और चार्जिंग के लिए इसमें आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलने वाला है। तो चलिए अब हम लोग इसके प्राइस के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसके बेस वेरिएंट 4+64GB का प्राइस आपको 8000 रुपये होने वाला है। तो दोस्तों, आपको 8000 रुपये में ही क्वाड्रेट कैमरा का सेटअप, इसके साथ ही स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर और 5000mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये फ़ोन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो आपको ये फ़ोन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर दोस्तों इसके लॉन्चिंग डेट के बारे में बात करें तो दोस्तों, ये फ़ोन इंडिया में 9 जनवरी को लॉन्च होने वाला है, जो कि दोपहर में 12:30 बजे लॉन्च होगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।